बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेफ़ तजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और हैं खैर खैरियत से। आज मेरा कराची टूर का डे टू है, तो ब्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब सबसे पहले कर लें। सबसे पहले हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया, बिकॉज रात भी बहुत ज़्यादा खाया था, कल बहुत ज़्यादा खा लिया था। तो ये है कि बिल्कुल ही लाइट सा जो है वो जस्ट नाश्ता यहाँ पर लिया। और यहाँ पर मैं आपको व्यू दिखाना चाहती हूँ वैसे, क्योंकि कराची बहुत ज़्यादा फेमस है फ्लैट्स के लिहाज से, तो वहाँ पर फ्लैट्स वगैरह होते हैं, तो जहाँ मतलब लाइक फ्लोर जिनके ऊपर ऊपर हैं, तो वहाँ इतना जो है वो इतनी आपको हवा आती है, इतनी हवा आती है कि लिटरली एसी वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर लोग आप ग्राउंड पे देख सकते हैं, बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और मेरी सिस्टर का जो है वो फ्लैट है वो जौहर में, ठीक है, और ये इनका फ्लैट इधर है। तो जौहर तो बहुत ज़्यादा खैर बड़ा है, लेकिन मौसम बहुत हसीन तरीन जो है वो रहा थ्रू आउट द टूर, और बहुत अच्छा था। धूप तो खैर मैंने देखी ही नहीं इस मेरे टूर के दौरान। और यहाँ पर यह है कि मेरी सिस्टर का क्योंकि आज छुट्टी थी, तो उसने वॉशिंग जो है वो करनी थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत ही क्यूट से हैंगिंग्स जिसने मेरे से ही मंगवाए थे, मैंने उसको लवॉर्ड से जो है वो ला कर दिए थे, और ये इसने अपने ड्राइंग रूम के बाहर जो है वो लगाए हैं, जो कि काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं। और ये सब देख के जो है वो ऐसी चीज़ें, खैर मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है घर को जो है वो डेकोरेट करना और घर को सजाना, तो इसको फ्लावर्स वगैरह और इन सब का बहुत ज़्यादा शौक है। और डेकोरेशन तो आपको पता ही है, फिर सब लेडीज़ का ही शौक होता है। अच्छा, उसके बाद ये कि तैयार श्यार होकर मैं जी निकल गई बाहर। और कहाँ मैं निकली, मैंने अपनी फ्रेंड के पास जाना था। और कौन सी फ्रेंड के पास जाना था? मैंने जनाब जाना था मेरी लाहौर की फ्रेंड, जो कि कराची जो है वो शिफ्ट हो गई है पिछले एक साल से यहाँ पर, और वो यहाँ पर DHA में शिफ्ट हुई है। तो मैंने आज उसके साथ मिलने का प्लान जो है वो किया हुआ था, और मैं उसके पास जा रही थी। और ये मैं आप लोगों को तो कुछ दिखाते जा रही हूँ कराची के बहुत ही हसीन रास्ते, जहाँ से हम लोग जौहर से, तो खैर हम लोग काफ़ी आगे निकल आए, हम आ गए हैं जनाब DHA पे। और ये काफ़ी साफ़ सुथरे इलाके हैं, और काफ़ी यहाँ पर ग्रीनरी और यू नो अच्छे एरियाज़ हैं ये बेसिकली कराची के, जो कि शहर से काफ़ी दूर है। तो मैं आ गई नेहा के घर, और यस मेरी फ्रेंड नेहा, और उसने जो है वो बिकॉज़ हमने बाहर जाना था, तो सबसे पहले उसने मुझे शेक वगैरह दिया, और उसके बाद ये यमी सा फ्रूट चाट हमने खाया। और उसके बाद जनाब हमें तो कोई कैब वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज़ हम जो है वो ड्राइविंग जनाब खुद ही करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी पर डिपेंड नहीं करते। तो या मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे खुद ही लेकर गई बाहर, और हम लोग लंच करने के लिए बाहर पहुँचे। तो पहले उसने मुझसे पूछा भाई हम लोग कहाँ जो है वो चलते हैं, फिर मैंने उसको कहा कि यार कहीं भी ले चलो, बिकॉज़ यहाँ पे तो ज़्यादा आपको ही पता है ज़्यादा एरियाज़ का। तो यस हम पहुँचे आई होप, और जो कराची का है आई होप वो तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे ट्राई किया, लाहौर वाला तो मैंने ट्राई किया हुआ है, और इसके पैनकेक्स की तो क्या ही बात है। खैर ना सिर्फ पैनकेक बल्कि सब कुछ ही बहुत यहाँ का अच्छा होता है। या ये आपको अंदर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि आई होप यहाँ का कैसा है। लाहौर वाला भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों ने मिस किया है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये है जनाब कराची का आई होप अंदर से, ठीक है। और उसके बाद ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठे, और हमने जो है वो जनाब ये डिसाइड किया कि हम लोग एक्चुअली पहले डिसाइड करते हम लोग बैठे कहाँ, फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लोगों ने जो है वो बैठना कहाँ है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग मिडिल जो सेक्शन है उधर जाके जो है वो बैठ जाते हैं। खैर वहाँ जाके हम लोग बैठे, और उसके बाद हम लोगों ने मेन्यू सेलेक्ट किया यहाँ पर। और इनके जो है वो पैनकेक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो यहाँ पे स्टेक्स वगैरह और कुछ चिकन वैरायटी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। फाइनली हमने ये सब ऑर्डर किया, मैंने अल्फ्रेडो ऑर्डर किया, और मेरी जो फ्रेंड है उसने पार्मेसन चिकन जो है वो ऑर्डर किया कुछ साइड्स के साथ। और साथ भी जो है वो हम लोगों ने ड्रिंक्स, एक्चुअली हम लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने क्रिएटिविटी उधर ही क्रिएट करवाई, और उन्होंने हमें वैनिला शेक के साथ कॉफ़ी शॉट जो है वो मिक्स करके विथ कैरमल हमें बना के दिया, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। यहाँ हमने बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे ड्रॉप किया मेरी एक और फ्रेंड के पास, और जो कि मेरे हस्बैंड की साइड से मेरी फ्रेंड बनी थी, लाइक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ थी, वहाँ पर उन्होंने मुझे जो है वो ड्रॉप किया। इसके साथ बहुत मज़ा आया, कैसे टाइम गुजरा कुछ पता नहीं चला। और वो भी क्लिफ्टन साइड पे ही रहती थी, तो यहाँ इसके घर से वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसी ने जो है वो मुझे ड्रॉप किया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये सुकून सा जो है वो व्यू दिखाना चाहती हूँ। इनका फ्लैट जी जनाब माशाल्लाह 9th फ्लोर पे था, इतना हवादार, माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल फ़्लैट। और ये आप लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखें ज़रा कराची की, कि कितनी हसीन जो है वो लग रही है, बिकॉज़ यहाँ फ़्लैट सिस्टम जो है वो ज़्यादा है। और ये आप लोग देखें कितना सुकून और कितना प्यारा मौसम यहाँ पर लग रहा है। फ्रेंड के साथ भी, इनके साथ भी बहुत
बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इनके साथ मेरी काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई, उसके बाद ये मुझे KFC लेके गई और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया ये सब और मज़े से जो है वो हम लोगों ने खाया और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो फ्रेंड्स आर रियली रियली ब्लेसिंग और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ। मैं जहाँ जाऊँ मेरी वहाँ पर ढेर सारी दोस्तें होती हैं जो मुझे इतना प्यार देती हैं। अभी भी बहुत सारी दोस्तें मेरी रह गई जिनका शिकवा था कि तुम हमसे नहीं मिली, हमारे पास नहीं आई। तो इंशाल्लाह बस ये है कि टाइम शॉर्ट होता है, बंदा हर किसी को टाइम नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है और अल्लाह का बहुत एहसान है कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बहुत प्यार मिलता है और मुझे बहुत अच्छी अच्छी मेरी दोस्तें हर जगह मौजूद हैं। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज़ ब्लॉग। मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा कराची टूर का डे 2 आप लोगों को कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।